अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छी अच्छी बातें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे. खैर, अच्छी बातें तो हमें हर जगह मिल जाती हैं, लोगों से भी सुनने को मिलती हैं और अब तो व्हाट्सएप पर ही इतने ज़्यादा मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, अच्छी अच्छी बातों के कार्ड्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं और इतना अच्छा और इतने अच्छे से इंस्पायर होकर, वाह ये कितना अच्छा है, ये मैं आगे फॉरवर्ड करूँगी, और हम फॉरवर्ड कर देते हैं. लेकिन असल बात यह है, सवाल यह है कि हम इन अच्छी बातों को काम की बात, फ़ायदे की बात बनाते हैं या नहीं, और वो कैसे बनाएंगे जब हम उन पर अमल करेंगे. तो एक बात अभी आते आते मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. पढ़ी मैंने, मुझे अच्छी लगी. अब ये कौन कौन किस किस को फ़ायदा पहुंचाती है ये आपके अपने ऊपर है. कोई भी प्रॉब्लम आपकी जो होती है वो आपकी सोच उस प्रॉब्लम के साइज़ को डिफ़ाइन करती है, यानी हमारी सोच ही हमारी प्रॉब्लम को, हमारी सिचुएशन के साइज़ को डिफ़ाइन करती है. हो सकता है कि बात बहुत छोटी सी हो सकता है कि सिचुएशन बहुत छोटी सी हो सकता है कि परेशानी बहुत छोटी सी हो, लेकिन हम अपनी सोच में उसको इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा असर ले लेंगे अपने ऊपर. तो ये हमारी सोच पर होता है. हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, बहुत बड़े अजाब से आप गुज़र रहे हों, लेकिन आपकी सोच उसको बिल्कुल तिनका जैसा कर देगी तो आप ज़्यादा फील नहीं करेंगे. तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप फील करते हैं. लेकिन हमारी फितरत ये है, हमारी मेजॉरिटी की नेचर ये है कि छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बनाकर अपने अंदर चलाते हैं और बस परेशान होते रहते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सिचुएशन आए, प्रॉब्लम आए, कुछ ऐसे लोगों की बातें आए जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी सोच को. तो अपनी सोच में अच्छी हाई पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे तो वो बड़ी सी प्रॉब्लम भी आपको छोटी सी लगेगी. कोई अच्छी बात आप भी ज़रा शेयर कर लीजिए आज कॉल करके. आज हमारे शो पर नए मेहमान, नए गेस्ट हैं, नई रेसिपीज़ के साथ आए हैं और ये भी स्टूडेंट रह चुके हैं स्किल्स वैली के और अभी करंटली ये एक होटल में काम भी कर रहे हैं. इसके अलावा इनका आगे का क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन नए नए आए हैं इस फील्ड में. अभी मेरा नहीं ख्याल इनको ज़्यादा टाइम हुआ होगा क्योंकि यंग से हैं. आइए ज़रा आपकी मुलाकात करवाते हैं इस यंग न्यू टैलेंट से. मुइज़ हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैं मुइज़ ही है ना? मैंने कहा मेरे नाम कोई दूसरा तो नहीं ले लिया. क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. हाँ जी, पहले तो बताओ कि ठीक हो? रात में सोए ठीक? रात में बिल्कुल सोया, नींद पूरी करके आया. पूरी करके आया? मैं कुछ ज्यादा चलाया नहीं दिमाग में. यार कल क्या होगा? पहले प्रैक्टिस कर ली थी सारी तैयारी. क्या प्रैक्टिस कर ली थी? इन्हीं रेसिपीज की 3 बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ घर पे. हाँ सबको खिलाया ये? नहीं, रेस्टोरेंट पे. अच्छा रेस्टोरेंट पे खिलाया? मतलब रेस्टोरेंट पे ही प्रैक्टिस की? जी, उधर ही प्रैक्टिस ही, उधर ही खिलाया. परफेक्ट हो गए हम? परफेक्ट हो गए इंशाल्लाह. अब यहाँ पे गलत तो नहीं होनी चाहिए. इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करेंगे. सही है. अच्छा जी, कैसे आना हुआ आपका हमारे शो पर? लाइवली मेरा आना ऐसे हुआ कि मुझे बताया था उबैद, जो अभी संडे को आया था आपके पास. जी जी जी. उबैद ने मुझे बताया था इंस्टाग्राम पे कि आप भी अप्लाई करें लाइवली वीकेंड पे. वो दोनों जो पार्टनर्स थे पिज्जा उसके, यही ना पिज्जा वाले? एक उबैद भी आया था रहीम यार खान से. बताया मुझे कि क्या ये कुछ स्टूडेंट्स का कुछ वो बना हुआ है? नहीं नहीं, अभी वो आए हुए सबसे मुश्किल नाम पिज्जा रेस्टोरेंट का जो कावा बंगा जो अभी तक याद नहीं हुआ मुझे. हाँ, अच्छा अच्छा. तो मुझे बताया उबैद ने था. हाँ. मैं अप्लाई उसी के अच्छा, जरिए किया था. सही है. तो इंशाल्लाह हो गया उनके जरिए. तो बाकी जैद और हाँ. शेफ का भी आना इसी. हाँ, जैद और शेफ का आना भी इसी शो में हुआ. इत्तेफाक था ये भी. शो देखे आपने उनके? जी बिल्कुल, दोनों के शो देखे. सही थे? सही, बिल्कुल सही. आज आप भी उसी तरह करेंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे. शेफ का नाम ऊंचा करने. घर में सब देख रहे होंगे, फैमिली तो जाहिर सी बात है देख रहे होंगे. पापा गए होंगे ऑफिस में. अच्छा, अब हो सकता है वो भी वहाँ देख रहे हो. पहला एक्सपीरियंस है ना, तो घर वाले और ज्यादा एक्साइटेड होते हैं. अरे यार बैठ के देख रहे होंगे. वही एक्सपीरियंस जैसे मैंने जब जैद को देखा था, शेफ को देखा था, जब जैसे मैं फील कर रहा था वैसे घर वाले फील कर रहे. नहीं नहीं बिल्कुल, नंबर दे देना, घर पे कॉल करवा लेंगे, बिल्कुल जरा बात कर लेंगे. खैर आप लोग अपनी कॉल्स मिला सकते हैं. हम सीख क्या रहे हैं आपसे? आज मैं बनाऊंगा ग्रिल चिकन. ठीक है. ऑरेंज सॉस, मतलब बहुत रेयरली है, ज़्यादातर बनती नहीं है यहाँ. हमें फ्लेवर अच्छा लगेगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह थोड़े से स्पाइसी, थोड़े से स्वीट होगी. अच्छा ठीक है. और उसके बाद मैं बनाऊंगा तुर्किश पिद्दे. हाँ तुर्किश पिद्दे. ये आपने कहा कि पिज्ज़ा होता है कुछ? पिज्जे की एक टाइप समझ लो. अच्छा, उसको उसी टाइप में दो के ऊपर सारे मिक्सचर वगैरह सब. अच्छा, ओवन हो गए. टर्किश स्टाइल का? टर्किश स्टाइल का बिल्कुल. तो उसके बाद
हेल्दी रैप बनेगा. हेल्दी रैप में क्या है? हेल्दी रैप में एक टाइप से आइसबर्ग, आइसबर्ग को आइसबर्ग के अंदर फिलिंग फोल्ड करेंगे. अच्छा. उसको फिर सर्व करेंगे. उसके बाद बनाना पॉप्स हैं. ये नॉर्मली ये बहुत इजी बनाना पॉप्स और हेल्दी रैप बहुत इजी रेसिपी है. कोई भी आराम से बना सकता है. ठीक है. बनाना पॉप्स आराम से कॉल्स वॉल्स लेंगे जरा. हाँ, आराम से सुकून इजीली काम करेंगे. कोई मसला नहीं है. ठीक है. तो हम चलें जरा किचन की तरफ. थोड़ी बहुत अगर शुरुआत करनी है, कोई चीज़ें चढ़ानी है, मैरिनेट करनी है, कटिंग करनी है, तो हम पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे. सॉल्ट, पेपर, टबैस्को और ऑरेंज जूस. सही है. ठीक है. ऑरेंज जूस क्या क्या हमारा? हाँ जी, तो मैं स्ट्रेट ऑरेंज जूस डालेंगे. ठीक है. ये चिकन फिले आपने लिया है ब्रेस्ट फिले? जी जी जी. ठीक है. ये कोई सॉस के साथ आप सर्व करोगे इसको या? ये ऑरेंज सॉस अभी बनाएंगे हम. ठीक है. ठीक है. इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेकर. अच्छा. ब्लैक पेपर. ओके. पिंच ऑफ सॉल्ट. ओके. टबैस्को सॉस. ठीक है. टबैस्को सॉस. ये थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देंगे. आप हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास ये संदीप की भी है. तो ये भी थोड़ा सा डाल दो, अच्छा फ्लेवर हो जाएगा. ये चिली सॉस. चिली सॉस संदीप. हाँ जी, संदीप की हम इस्तेमाल करें. नॉरस वालों ने ये चाइनीज सॉसेज इंट्रोड्यूस करवाई है. थैंक यू. तो इसको हम मैरिनेट करके. ठीक है. और इसको ग्रिल करोगे? जी जी, बिल्कुल ग्रिल करेंगे इसको. और ये सर्व राइस के साथ होता है या नहीं? ये ऑरेंज सॉस अगर आपको राइस के साथ सर्व करना है तो मैं जब पहले बनाई थी तो राइस के साथ ही सर्व की थी. अच्छा. अभी हम जो सर्व कर रहे हैं राइस के रहे ये शो पे ऐसे चला देता हूं. ठीक है, बिल्कुल सही. अब हम तैयार करेंगे ऑरेंज सॉस. हां जी. ठीक है. इसमें थोड़ा सा पानी डाल. पानी ये ले लो, ये जग पे रखा हुआ है. ठीक है भाई. आज मैं ज़रा, आप लोगों ने मेरा ड्रेस देखा होगा, आप सोचे होंगे ये किरण कुकिंग शो में इतना हैवी ड्रेस पहनकर आ गई है, शादी का ड्रेस. एक्चुअली आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है और हर तरफ, हर घर में, हर ख़ानदान में कोई ना कोई शादी हो रही है. मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि आप इस तरह की ड्रेसेस भी पहन सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भरे हुए हों. ये हल्का सा, लाइट सा एंड वेरी नाइस, आप डिज़ाइनर का नाम नोट कर सकते हैं. इसके अंदर हम प्याज सौते करेंगे, इसको कैरमलाइज करेंगे. अच्छा. ठीक है. ऑयल? ऑयल नहीं, ऑयल बट लिटिल बिट वाटर. पानी में? जी. ऑयल अगर मैं डालूंगा तो वो ऑरेंज का खराब कर देगा. अच्छा. नो ऑयल? नो ऑयल. ओके. ठीक है. इसको रख देते हैं. और कितनी प्याज? प्याज हाफ. हाफ प्याज को आपने चॉप कर लिया? जी, हाफ प्याज को चॉप कर लिया. ठीक है. उसके बाद इसमें पल्प डालेंगे ऑरेंज के. ठीक है. उसको बहुत ऑरेंज ऑरेंज होएगा ना? यस ऑब्वियसली, ऑरेंज ऑरेंज सब जगह. अच्छा चलो ठीक है. यहाँ पर आपने थोड़ा सा बिल्कुल पानी लिया था, थोड़ा सा पानी लिया, प्याज डाल दिए. प्याज डाल दिए. ठीक है. जब तक आप ये कुक कर रहे हो हम ब्रेक ले लें. बिल्कुल. ब्रेक से वापस आएंगे, बाकी चीज़ें सामने डाल. सही है जी. मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं. आज मोइज़ हमारे साथ हैं, यंग है और अभी कितना अरसा हुआ है वैसे स्टार्ट किया हुआ आपको ये सारा कुकिंग का अपना करियर? कुकिंग को तकरीबन सिक्स मंथ्स. सिक्स मंथ्स में तो साल भी नहीं हुआ है. तो थोड़ा सा आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए इनको. तो हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप लोग कॉल्स कीजिए और कोई अच्छी बात अगर ओवर द वीकेंड आपने सुनी, देखी, पढ़ी हो तो हमसे ज़रा शेयर करें, हम शायद उसको फ़ायदे की बात बना लें अपने लिए. एक ब्रेक. वेलकम बैक. आज मोइज़ हमारे साथ हैं और यहाँ पर हमने क्या शुरुआत की है, ऑरेंज चिकन हम बना रहे हैं. ऑरेंज चिकन बना और उसमें आपने अभी मैंने सिर्फ पानी. हाँ, पानी थोड़ा सा और प्याज कैरमलाइज कर दिया. हाँ ठीक. उसके बाद हम. अच्छा, ब्राउन कलर आया नहीं है इसका? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी कैरमलाइज. सिर्फ सॉफ्ट आपने? जी जी, सॉफ्ट. उसके बाद हम इसमें ऑरेंज पल्प ऐड करेंगे. ठीक है. ठीक है. इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ऑनियन के साथ. तो ये घुल जाएगा ऐसा? नहीं नहीं नहीं, इसको स्ट्रेन करेंगे जब हम. अच्छा, इसमें जूस ऐड करेंगे उसके बाद स्ट्रेन. देसी रेसिपीज पसंद है आपको? देसी रेसिपीज ज़्यादा मसाले वाली ना हो तो. अच्छा.
बाकी आती है बनाने? अम्मी हाँ, से बना कुछ सीखा? अम्मी से देख रही हैं अम्मी, सच बोल रहा वैसे तो नहीं, मैं पूछ लेता हूँ डिशेस वगैरह. अभी तंदूरी चिकन बनाई थी उन्होंने, तो मैंने पूछ लिया उसके डिशेस वगैरह कैसे बनी. अम्मी तो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं. अम्मी हाँ, अम्मी, मेरी खाला, अंकल, पापा, ये सब. पापा भी बनाते हैं? हाँ, काफ़ी अच्छे खाने बनाते हैं. पापा क्या बनाते हैं? अच्छा, पापा हलवा वगैरह अच्छा बना लेते हैं, पूरी, कचौरी. वाह, ये चीज़ वहीं से आपको आया होगा, है ना? हाँ, एक एक ये यही यही चीज़. इसके बाद हम इसमें ऑरेंज जूस ऐड करेंगे स्ट्रेट. ठीक है. अच्छा, और ये आपने डिब्बे वाला लिया है या फ्रेश है? फ्रेश ऑरेंज जूस. अच्छा, आज तो फ्रेश सीजन है तो. जी जी, इस यही यही वजह दी है रेसिपी बनाने की. अच्छा, के सीजन भी आज इसको हम चलाएँगे थोड़ा. ठीक है, और कितनी देर तक कुक करोगे? थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, उसको थोड़ी देर बाद हम ठीक कर लेंगे इसको. अच्छा, फिर स्टेन कर लेंगे. अच्छा, घर वालों को ये खिलाई है रेसिपी? नहीं, आई एम श्योर उनको पसंद भी नहीं आ रही. ये क्या तुमने बना दिया ऑरेंज का, है ना? नहीं, और घर वालों को कुछ पाकिस्तानी बनाऊंगा. हाँ, एग्जैक्टली. हम थोड़े देसी लोग, देसी लोग, तो हमें ये ऐसे खाने ना, यही ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में भी जब शेफ्स कोई कॉन्टिनेंटल या अलग कोई डिश बनाते हैं तो स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं, ये क्या बना यार, ये क्या, मतलब ये कहाँ चलेगा. लोग यही समझ के आते हैं कि हम अभी जाएंगे कोचिंग में, वहाँ पे हमें पाकिस्तानी खाने मिलेंगे, अच्छे अच्छे डिशेज मिलेंगे. लेकिन एक्चुअली वो स्टैंडर्ड शिकार होते हैं होटल्स के, एक्चुअली बनता क्या है आगे. नहीं, इंस्टीट्यूट में तो आपको ओवरऑल पूरा आपको बताते हैं, वो हर तरह की क्यूजीन आपको सिखाते हैं, सिर्फ एक पे फोकस नहीं होता. पाकिस्तानी भी होता है, चाइनीज भी होता है. शुगर ऐड करेंगे. ठीक है, तो स्वीट फ्लेवर देने के लिए इसको शुगर ऐड करेंगे, इसमें चलाएंगे. कोई कॉल चा एक तो नहीं, ऐसा नहीं कर कह रहे कोई नहीं है अभी कॉल. हाँ जी, आप ही कोई अच्छी बात कर ले मेरे से. अच्छी बात आपसे? हाँ, कोई अच्छी बात आपने सुनी, देखी, पढ़ी, ऐसी कार्ड में किसी ने फॉरवर्ड किया हो, अरे यार इतना ज़बरदस्त. वैसे तो नहीं, होटल्स में बहुत सीखने को मिलता है, है यही अच्छी बात है कि मतलब अगर आप किसी जूनियर के साथ अच्छे रहोगे तो आगे आपके साथ अच्छा रहेगा. अच्छा, अगर आप उसके साथ अच्छे नहीं रहोगे वो आगे जाके आपके साथ अच्छा नहीं रहेगा. जूनियर के साथ? जूनियर के साथ सीनियर के साथ ऑब्वियसली बात है, अगर हम सीनियर के साथ सही नहीं रहेंगे तो फिर गए हम. फिर गए हम, कुछ नहीं हो सकता. इसमें कौन सा ऐड करेंगे थोड़ा? चलो, थिकनेस आ गई. अभी मुझे नहीं पता आपके घर से आई है या हमारे व्यूअर्स की है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन सा डाल दें जी? कौन बात कर रहे? उबैद बात कर रहा हूँ. उबैद आ गए, ये देखो, ये पूरी नहीं क्या यही घूम रहा है पूरा ग्रुप. हाँ, जैद साहब ने बैठा हुआ है यहाँ पर, मोइज है, उबैद यहाँ पर है, और भी कोई दोस्त वोस्त है? कट्ठे हुए हैं ये मसाला के प्लेटफॉर्म पे. हाँ, ये लग रहा है कि बिल्कुल हावी हो गए मसाला पर, ये सारा ग्रुप जो है मुसलसल. कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खुश. आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा, बहुत खुश. लकीएस्ट पर्सन इन द प्लेनेट. अरे वाह, कुछ तो सीख कर गए आप शो से. बहुत कुछ सीखा. वेरी गुड. और मुइज को आपने कुछ कहना है, कोई टिप्स देनी है? मुइज बहुत अच्छा शो कर रहा है और बहुत सारी दुआएं, प्यार, अच्छा-अच्छा शो करे. थैंक यू सो मच. अच्छा शो करे. थैंक यू. और मैंने इस पे काम का है और इसने करना है वो भी लास्ट में इंशाल्लाह. पहले आप डिस्क्लोज करें क्या काम है. वो ही बताएंगे. क्या काम है वो अभी ऑन एयर ना बताओ तुम. वो बता देगा आपको लास्ट में बता देंगे. लास्ट में? अच्छा, मैं याद दिला दूंगी. ठीक हो गया, हो जाएगा तुम्हारा काम, टेंशन नहीं. चलो, ओके, थैंक यू. ये लास्ट वीक ही आया ना? हाँ, संडे को आया था. शक्ल ही याद नहीं आ रही. दो बार आ चुके हैं की शक्ल के नहीं याद आ रही. अच्छा जी, ये हो गया कुक और आपने कॉर्नफ्लोर डालकर इसको थोड़ा सा कुक कर लिया. अच्छा, इसको हम निकाल लेंगे बाउल में. अगर ग्रिल करना है तो हम कर चढ़ा सकते हैं उसको. पहले इसको हम स्टेन कर लेंगे. हाँ, जितनी पल्स वगैरह इसके सब निकल जाए. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम. हुमैरा. वालेकुम अस्सलाम. किरण, कैसी हैं आप? मैं खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल.
बिल्कुल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और हम भी आपको देख के और ज्यादा प्यारे हो जाते हैं. वेरी गुड. मेरी तस्वीर साथ रखा करें, हम हमेशा प्यारे प्यारे रहेंगे. बहुत अच्छा लगता है लाइवली वीकेंड देख के, इंसान खुद भी जो है वो लाइवली हो जाता है. और बहुत जबरदस्त आपकी रेसिपीज होती है. हाँ, जो आपके गेस्ट आते हैं वो भी बहुत जबरदस्त है. जो अभी आए हुए हैं प्यारे से गेस्ट वो भी, अस्सलाम वालेकुम उनको भी. मुइज़ आपको सलाम कर रही हूं. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप बताएं? नहीं ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा हूँ मैं, बहुत खुश हूँ. अभी थोड़ा सा नर्वस हूँ ना, तो कुछ भी निकल जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकता. अच्छा, मुझे उन माओं को या उन बहनों या बीवियों को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा जो ये कहते हैं कि हमने तो हित के पानी भी नहीं पीना. हाँ बिल्कुल सही है, ये बचपन से सिखाना चाहिए. जो है वो प्रोग्राम किरण लेकर आती रहती है कि वो बताए कि सिर्फ और सिर्फ घरदारी या किचन जो है वो सिर्फ खवातीन का ही जिम्मा नहीं. सही. मर्द भी अगर इसमें शौक रखते हैं या कम से कम उनकी अगर हॉबी भी है तो वो बहुत अच्छा लगता है. हाँ, और क्या, कभी कभार जैसे इनके अब्बू जो हैं, जो है ना अपने बेटे को थोड़ा थोड़ा ये सिखाया है कि मे भी मैं कहीं गई हूँ, आप कम से कम बना कर खा सकते हैं. हाँ, मतलब भूखे नहीं रहे. किरण, मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से आपको थैंक्स कहना चाहूंगी कि मैंने लास्ट मंथ गिफ्ट विन किया था तो वो मुझे कल रिसीव हुआ, बहुत अच्छा लगा. और वो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ, उनकी नेक्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है, 25th वेडिंग एनिवर्सरी, तो मैं उन्हें ये गिफ्ट करूंगी. अच्छा ठीक है, बहुत जबरदस्त मुझे वो गिफ्ट मिला. आप सबका बहुत शुक्रिया. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. शो को एंजॉय कीजिए. अच्छा जी, हमने इस्तेमाल किया किफाया हर दिल को भाया, किफाया कुकिंग ऑयल ग्रिल के लिए इस्तेमाल किया, पैन को थोड़ा सा बिल्कुल आपने छुआ है. जी जी बस बिल्कुल सही है. अच्छा, और इसमें हमने ऑरेंज जूस डाला हुआ था, नमक और काली मिर्च. जी जी, और टबैस्को सॉस, टबैस्को सॉस और चिली. सही है, और संदीप की हमने हॉट सॉस भी डाल दी थी. अच्छा, अब इसको ग्रिल करोगे तो ये तकरीबन आपका रेडी है. तकरीबन रेडी है, थोड़ी सी देर के लिए ओवन में जाएगा. अच्छा, उसके बाद तकरीबन रेडी. जी जी, नहीं नहीं, सॉस के अलावा डायरेक्टली ओवन में जाएगा. ठीक है, फिर इसके साथ सॉस के साथ इसकी प्लेटिंग करके. अच्छा, चलो सही है. इजी रेसिपी, इजी रेसिपी. हाँ, और इसको ये सजाने के लिए लाया है ब्रोकली? नहीं नहीं, इसको ब्लांच करेंगे. ओके, वो एंड ऑफ द प्लेटिंग के वक्त. अच्छा, अभी करना है, कर दो पानी में. हाँ, चढ़ा दो इसको भी. इसके अंदर ऑयल है, गर्म पानी इसमें से कर लो. हाँ, और क्या, वो भी चढ़ा देते हैं. हल्का सा ब्लांच ही करना है ना. और ये जो आपने स्लाइस काटे हुए, ये भी सारे उसके होंगे, प्लेटिंग नहीं आप इस्तेमाल करोगे, है ना? वही जी मैम, ये जो है ऑरेंज और वो सब करूँगा प्लेटिंग के लिए. ठीक है, सही है जी. आज थोड़ी हल्की फुल्की रेसिपी है. अच्छा, ये जो मुइज़ रेसिपी बना रहे हैं, मुझे ज़रा कॉल करके बताएं कि आप लोग बाकी घर में ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे. मुइज़, ऐसे सच्ची बोलूँगी ना, ये नहीं कि आपका दिल दुखा रही, लेकिन मैं नहीं ट्राई करूंगी. और ऑब्वियसली बात है, ये आदत सी है. अच्छा, तो ये चूज़ कि कॉन्टिनेंटल लोग ज़्यादा पाकिस्तानी बनाने की सोचते हैं घर पे, क्योंकि हाँ, आदत है उनको शुरू से और हर कोई पसंद भी करता है. ब्रेक आ गए? ठीक है, वही हम इसको ग्रिल कर सकते हैं. हम ब्रेक भी ले रहे थे और ब्रेक से वापस आएंगे जब तक चिकन को ग्रिल करेंगे. इन्होंने थोड़ा सा ग्रिल करना है, कलर देना है, और फिर इसको हम रखेंगे अवन में थोड़ी देर के लिए. तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी अगली रेसिपी भी स्टार्ट करेंगे. उसके लिए थोड़ा सा इंतजार. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आ जाएँ जी. ज़रा ऑरेंज चिकन की हम आपको शक्ल दिखाते हैं. अभी इसने अवन में जाना है. अच्छा, वो चिकन ब्रेस्ट फिले जो आपने ग्रिल किए थे. जी जी, ये आप देखें, इन्होंने ऑरेंज के स्लाइस डाले हैं और टूथपिक से इसको वो कर दिया. अच्छा, ये साथ ग्रिल हो जाएगा इसके. और ब्रोकली हमने ब्रांच कर लिया. सही है, ब्रोकली को ब्रांच करके निकाले. ये तो आप प्लेटिंग के वक्त. जी जी, ये प्लेटिंग के वक्त. सॉस को थोड़ा सा और थिक कर रहे हैं हम, वो जो ऑरेंज सॉस बनाया है. अच्छा, इसको रखना है, रख दो. और फिर हम अपनी अगली रेसिपी पर आते हैं. ये टर्किश पिज्ज़ा स्टाइल का ये कुछ बना रहे, टर्किश पिज्ज़े. ये भी वही आपने इंस्टीट्यूट से सीखा है? वही. यस मैम. ये सर नहीं, क्या बोला आपने? यस सर. यस मैम. सर बोला था ना मैम. अच्छा, यस मैम, मैंने गलत सुना. हाँ भाई, सर बोला था. देखा, जू पकड़े गए, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर पाए. मैं कैसे गलत सुन लूंगी. हाँ, ये भी है.
अच्छा जी, अब ये इसका डो आप बना के तो लाए हो, लेकिन आपको बताना होगा कि आपने किया क्या क्या है डो में। इसके अंदर 35 ग्राम ऑयल है, 500 ग्राम फ्लावर में, 500 ग्राम फ्लावर में, ठीक है, 35 सॉल्ट एज पर टेस्ट है, 5 ग्राम शुगर है, 5 ग्राम ईस्ट। अच्छा, नॉर्मल सी रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और तो कुछ नहीं डाला? और कुछ भी नहीं डाला। और इसको वैसे ही आपने राइस होने के लिए रखा? हाँ, नॉर्मली राइस होने के लिए रखा, अभी बाउल में करके लेके आया। गर्म पानी से गूंदा? नहीं नहीं, नॉर्मल पानी से, ठीक है, कोई इतना वो अगर नहीं है। लोग करते हैं वैसे ईस्ट को थोड़े से गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व करके फिर ऐड करते हैं, मर्जी है आपकी, कोई इशू नहीं है उसमें। इकट्ठा करते हैं ना? हाँ, थोड़ी सी चीनी है, थोड़ा सा नमक है, ईस्ट है, और मैदा है एंड ऑयल है। अच्छे डो की पहचान क्या होती है मिस? उसकी सॉफ्टनेस, डो अच्छा बनाओ, उसकी सॉफ्टनेस, और वो जब ओवन में जाएगी और निकल के उसका कलर अच्छा ग्रो होगी, इम्प्रूव होगी होगी, और उसका कलर बहुत अच्छा होगा। सही है। अब ग्लव्स उतार सकते हैं। सॉरी। हाँ, चपड़ 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 चपड़, इनका मुँह तो बहुत आदत बहुत हाइजीन कॉन्शियस है। होटल के अंदर इतना पहनना होता है कि आदत हो जाती है, अपना खाना खाते वक्त भी ऐसा लग रहा होता है ये ग्लव्स नहीं पहने शायद मैंने। माइंड ऐसा बन जाता है। अच्छा, इसकी शेप मुख्तलिफ होगी, ये ओवल टाइप की शेप में एग्जैक्टली बनता है। अब तो अक्सर यहाँ पर पिज्जाज भी इस शेप में, कैफेज वगैरह में ना अक्सर वो इसी तरह का वो देते हैं। बिल्कुल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स वगैरह पर देखा मैंने। ब्रेक ओवन में इस तरह का वो। बिल्कुल। अच्छा, इसकी फिलिंग वगैरह वो कौन सी कैसी होती है? इसकी फिलिंग पहले इसको हम तैयार करके रख लेंगे, चीज साइड्स में लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। ठीक है, चीज, चेडर चीज? जी जी, ठीक है। प्लेट तो नहीं चाहिए उसी में? नहीं नहीं, इसी में। ठीक है। अच्छा, चीज़ जो है वो साइड्स पे करके आप उसको। जी जी, और इसमें फिलिंग कीमे की बना दो आप? फिलिंग कीमे की नॉर्मल फिलिंग है, ज़्यादा स्पाइस नहीं है उसके अंदर, अगर आपने ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑनियन है, टोमेटोज हैं, कीमा है, जिंजर गार्लिक पाउडर है, बस बाकी नॉर्मल। तो आपने सेंटर में डाली है? नहीं नहीं, इसको मैं साइड में कर रहा हूँ। अच्छा, कह तो रहा था कि साइड में करके फोल्ड करूँगा तो ये ठीक है। अच्छा, थोड़ी 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 थोड़ी, हाँ थोड़ी सही रहती है, मैंने इतना चीज़ी कर देते हैं ना बस तो। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करना है, क्या इरादा है, क्या मकसद है? आगे का प्लान्स तो यही हैं कि अपने शेफ हमाद वाली लाइफ को थोड़ा सा आगे लेके जाना है, उन्हीं की तरह होटल्स वगैरह में काम करना है आगे। हाँ, फॉरेन कंट्रीज वगैरह में जाना है। सोचो ना, बोलो अपना होटल होगा, अपना होटल। हाँ, ये किसी और के होटल में भी मैं क्यों काम करूँ? मेरा अपना होटल होगा, उसको मैं खुद अच्छे से देखूंगा, पहले वो किचन में चीज़ें बनाऊँगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, सीखना पड़ेगा होटल में क्या होता है। अरे, सोचेंगे बड़े तो फिर उस लाइन पर चलेंगे ना, उसी को इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भाई सोच को बड़ी रखें आप, कुछ ना कुछ तो हासिल हो ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप लोग उस रास्ते पे तो चलेंगे। हमारे साथ ये है, हमारे एक्चुअली बचपन से ये है कि बड़ी सोच नहीं दी जाती है बच्चों को, और ना स्कूल्स में इतना ज़्यादा सोच पर तवज्जो दी जाती है, बस वही घिसा पिटा, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मार्क्स कर लो, एग्जैक्टली A1 ग्रेड ले आओ, और अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, MBA कर लो तो डॉक्टर बन जाओ, और बस एक एक्स्ट्रा पीरियड देना चाहिए हाउ टू चूज अ करियर, बस वो काउंसलिंग अलग, जिसमें आपका एटलीस्ट थिंकिंग पैटर्न जो है ना, विजन बच्चों को देना चाहिए कि भाई मकसद तो रखो जिंदगी का, सिर्फ यही नहीं है कि बड़े हुए, अच्छी सी पढ़ाई की, अच्छी जॉब मिल गई, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, ये मकसद नहीं है ज़िंदगी का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, फिट पाट, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती हैं इतने अच्छे से बात करते हुए। जी अच्छा, आज की रेसिपी कैसी लग रही है? आज मुइज हमारे साथ हैं, ये भी रेसिपीज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हैं। मैं अभी आपकी बात सुन रही थी तो मैं वही सोच रही हूँ अभी कि अभी आप बात कर रही थी अपने मकसद तक पहुँचने की, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग शायद एक बात से रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनने लग जाते हैं या कुछ भी, तो हम अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि सिर्फ अपने उसको ही देखें कि हमने कहाँ जाना है, अपने टारगेट को देखें और कहीं पे भी ना देखें। तो अगर हम सिर्फ चलते जाएँ और अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते रहें तो हम एक दिन पहुँच जाएँगे वहाँ पर। मेरी तो शिकायत ये है कि मकसद ही हम बहुत छोटा सा लेकर सोचते हैं, बड़ा मकसद बड़ा विजन ही नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये है। छोटा नहीं, बहुत छोटा ही सोचते हैं और शायद इसीलिए बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ नहीं, पीछे रह जाए आगे रह जाए उसका नहीं है, लेकिन विजन ज़रूर होना चाहिए, जो कि मुझे भी कभी लाइफ में नहीं बताया गया, सिखाया गया और दिमाग में डाला गया कि एक ज़िंदगी का मकसद है। और सिर्फ मकसद ये नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें, बहुत बड़े बड़े काम है इंसानों में हम लोग आए हैं। इंसान कुछ भी कर सकता है ना। हाँ बिल्कुल, अगर आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी आप उतना बड़ा मकसद अचीव इजीली कर सकते हैं। बस यही है ना कि सबसे पहले आपकी सोच में वो बात आनी चाहिए कि आपने करना क्या है। तो बस ये है। खैर आपकी बात भी ठीक है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस चीज से सबको निकल जाना चाहिए। एनीवेज थैंक यू सो मच। अच्छा क्या क्या कर लिया मोहित आपने? कीमा पकाया। हाँ, आपने सबसे पहले किफाया ऑयल लिया। जी जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसमें कीमा ऐड किया। हाँ तो मैंने सौते किया तो पकाया। अच्छा। तो सॉल्ट ऐड किया। हाँ। ब्लैक पेपर ऐड किया। ठीक है। अच्छा तो सादा सा बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ज़्यादा वो नहीं। तो ऐसे ऑनियन ऐड करेंगे। ठीक है यार, कीमा ज़्यादा ही कुक कर लेते ज़रा, हम दो भी दो बना लेते ना, एक तो बना रहे थे हम यहाँ खा लेंगे। ज़्यादा आपको पिज़्ज़ा बना के खिला देंगे ना। वो भी झुटला दिया, वो भी मना कर दिया कि भाई वो खा लीजिएगा उन्हीं के रेस्टोरेंट का। ब्रेक में अभी बनवाती हूँ, छोड़ूंगी। आपने मना कैसे किया? ये दो भी पड़ा हुआ है, वो कीमा भी पड़ा हुआ है और इतना आसान है, कोई ज़्यादा पकाना पकाना नहीं है। अच्छा प्याज भी आकर डाल दें। सिंपल रेसिपी पर ठीक। कितनी देर कुक करोगे अभी इसको? थोड़ी सी देर। ब्रेक ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक से वापस आते हैं तो इसके ऊपर बस आपने इसको रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको ठंडा करके या थोड़ा सा गर्म? नहीं मर्जी है, ठंडा करके रख सकते हैं। अच्छा। या गर्म रख सकते हैं, बस वो ओवन में जाना। अच्छा ठीक है। इसके बाद तो हम आपको दोबारा से एक रिकैप कर देंगे डो का कि कितना क्या क्या इन्होंने ग्रामेज में लिया था वो और कीमे की रेसिपी। एक ब्रेक ब्रेक रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ डिवाइन सोल। मेरे अंदर अल्लाह ताला की ताकतें और नूर शामिल हो रहा है और मैं हर पल अच्छा सोचती हूँ, हर किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करती हूँ। सिचुएशन जैसी भी हो, लोगों की बातें जैसी भी हो, सिचुएशंस मेरे मुताबिक नहीं भी होंगी, परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन मैं अपने अंदर अच्छा चलाऊँगी, अच्छा चलाती हूँ, स्टेबल रहती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं देने वाली रूह हूँ, हर एक को प्यार देने वाली, हर एक को खुशी देने वाली, हर एक को सुख देने वाली, दुआएं देने वाली। आपकी मेरी हर बात दुआ होती है दूसरों के लिए। आमीन। हाँ जी, वाइब्रेशंस डाल दी आपने, डाली अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस खाने में। क्या बिल्कुल, चल तो कुछ और आओ। आप जब चेक करेंगे। अच्छा भाई, इनकी डिश जो है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स तो मैं आपको फुल दूंगी। इतनी खूबसूरत लग रही है ना, एक तो वो कलर्स, खाने में मुझे नहीं पता लेकिन वैसे इन्होंने अपनी महारत दिखाई है इस डिश में। एंड वो ऑरेंज की जो सॉस है वो एक तरफ, एंड ग्रिल्ड चिकन को किया। बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत सादी सी रेसिपी, लेकिन थोड़ी सी आपको ग्रैंड लुक देगा, एक होटल वाली फील देगा। ये आपने क्या डाला इसमें? अनियन को सौते किया और
ग्रीन अनियन को, हाँ ग्रीन अनियन को सौते किया, उसके बाद उसके ऊपर टबैस्को डालिए। अच्छा टबैस्को डालिए थोड़ी सी। प्लेटिंग तो आपने बड़ी ज़बरदस्त की, मुझे कलर कॉम्बिनेशन इतने प्यारे लग रहे हैं ना। अच्छा जी, कीमा यहाँ पर ये दो तैयार की हुई थी जी जी, उसको इस तरह से आपने स्प्रेड करना है ओवल शेप में, और थोड़ी सी शेडेड चीज़ को लेके फोल्ड कर दिया था। कीमा हमने तैयार किया था, दोबारा देख लें, दोबारा बनवा रही हूँ कीमा। किफाया ऑयल लिया, कीमा डाला, प्याज डाली, कीमा डाला, प्याज डाली, अभी सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे थोड़ा सा, और बस। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आपके लिए स्पाइस डाल देता हूँ मैं। अच्छा टबैस्को ऐड कर देना। अच्छा सही है, पिज्जा सॉस जिस तरह अभी जो भी आपने फिलिंग करनी है, आपने चिकन का बनाना है, बारबेक्यू सॉस देना, कुछ भी आप अपने हिसाब से कर। अच्छा वो जो हो गया है इसको कर दो बेशक पहले, बिल्कुल लगा इसको हल्का कर दो ताकि ये एक डन हम शक्ल दिखा दें। अच्छा पिज़्ज़ा डो के लिए रेसिपी का रिकैप भी कर दो साथ साथ। पिज़्ज़ा डो के लिए मैंने 500 ग्राम फ्लावर के अंदर 35 ग्राम ऑयल लिया, ठीक है, उसके बाद 5 ग्राम ईस्ट, 5 ग्राम शुगर और सॉल्ट एज पर टेस्ट, ठीक है, और पानी से नॉर्मल भून, और पानी से नॉर्मल वो जो जैद ने बनाए थे ना पिज़्ज़ा, तो सेम रेसिपी, हाँ सेम रेसिपी, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट उसका बेस बहुत ज़बरदस्त बना था। शक्ल अच्छी आएगी देखो, ऊपर भी चीज़ डालोगे? बिल्कुल, थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा नहीं क्योंकि अंदर इसके ऑब्वियसली चीज़ है। सॉस आपने कोई भी नहीं इसमें, ना कोई पिज़्ज़ा सॉस ना कोई हॉट सॉस, ये प्लेन जो आपका वाला बनाऊंगा उसमें मैरिनारा यूज़ होगी। हाँ आपका वाला क्या मतलब शो बन रहा है टर्किश पिद्दे ना, मैंने कहा वाकई पिद्दा सा तो पिज्जा है, एक और तुम बनाओ है ना, छोटा सा तो है ये बिल्कुल। एग्जैक्टली नाम भी सही है टर्किश पिद्दे, पिद्दे कम चीज़ उसको ज़्यादा चीज़ से ना भरे, ठीक। अच्छा अब जो हम अगला स्टार्ट करेंगे वो है हेल्दी रैप्स। हेल्दी ये आप पहले जो है हम उसके हाँ आइसबर्ग को लेंगे, हाँ। उसमें फिलिंग तैयार करेंगे अपनी, उसको फिलिंग ऐड करके उसको रोल करेंगे, करना शुरू करें पर फिलिंग पहले आपको वो कीमा करके रेड चलो कर ये बना दूं या रख दूं, तो ब्रेक में भी कर लेंगे इसको, हाँ। देर कितनी लगती है अवन में? 20 मिनट 15 मिनट ठीक है, वो बना लो अगर करना है बना लो ताकि दोनों तैयार हो जाए और दोनों को इकट्ठा फिर हम बस ठीक है कर लेते हैं। इसमें कुकिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बीफ को कोका, अच्छा टोमेटोज, ऑनियन, सही। तो मैं तो बारबेक्यू सॉस, हम इसको कर लें इसको हेल्दी रैप के लिए, ये तो ब्रेक में कर लेंगे बस, एक तो हमने सिखा दिया, हाँ, आपको इसको इस करके साइड करके पहले हेल्दी रैप बनाओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ना, ताकि आप सही, हाँ इसको रख दो बेशक, ये हम ब्रेक में कर लेंगे। तो मैंने ऐसे ही इनको कहा कि ज़रा आज नाश्ता नहीं कर कर आई, मैंने कहा चलो टर्किश पिद्दे खा लेंगे हम। अच्छा जी अब आ जाते हैं हम हेल्दी रैप, सॉरी हाँ मैं आपका काम वो कर रही हूँ। कोई बात नहीं कोई बात, जी याद है अम्मी ने कभी डांटा है सफाइयों पे या? बहुत पहले जब स्टार्टिंग थी तो बहुत गंदगी करता था तो यही सुनता था कि बस किचन में ना जाइए, हाँ तो डांट बहुत पड़ी। कम लड़कों को थोड़ा सा सफाई का होता है, तो अब ऐसा क्यों है? माएं तो दोनों बच्चों को सिखाती हैं, बेटी को भी बेटे को भी, बस लड़के क्यों ऐसे होते हैं? अब होटल लाइन में जाने के बाद आ गया है तो साथ साथ सफाई भी रखनी है तो मजबूरन करना पड़ता है ना, फिर आदत बन जाती है, आदत बन जाती है, हाँ करते रहेंगे तो आदत बन जाती है। जैसे कि हर वक्त मुस्कुराना, अच्छे से बात करना पोलाइटली हर एक के साथ, ये जो कॉल सेंटर्स वाले हैं ये लोग इसी तरह ही करते हैं। अब लोग आगे से उनको बुरा भला कहें, गुस्सा हो, भाई क्यों तंग कर रहे हैं, नहीं चाहिए, नहीं ख़रीदना हमने, सेल्स वाले जो होते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको बहुत पोलाइट लगेंगे। तो जैसे वो उनका काम है, अगर हम भी उनसे सीख लें exactly. हमने भी अच्छे से रहना है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम अंदर से भी अच्छे से हो जाएंगे। बिल्कुल।
अच्छा उसके लिए आपको फ्राइंग पैन चाहिए, इसी में बना लोगे ये दूसरा फ्राइंग पैन? इसी में बना लेंगे, इसी में हो जाएगा। सही है जी, हेल्दी रैप के लिए अब जो हमें उसकी फिलिंग चाहिए। किफ़ाया सबके दिल को भाया एक ऐसा कुकिंग ऑयल जिसमें तीन कुदरती तेलों का इस्तेमाल किया गया है, सोयाबीन, सनफ्लावर एंड कनोला ऑयल। ऑयल ऐड करेंगे, कॉल है? ठीक है जी। हेलो 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 हेलो, कुछ कुछ ये कुछ कुछ जान पहचानी वाली आवाज है, मुइज कह रहे हैं, कौन है? हेलो, क्या मैं मुइज की मदर बात कर रही हूँ? अरे आंटी का फोन है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए मुइज को देखकर ऐसे टीवी पे? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुस्कुरा रही होंगी आप इसको देख के। अच्छा कितनी डांटे आपने खिलाई है इनको सफाई पे? बहुत बहुत सुनाई है सफाई पे तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अच्छा आते हुए इंस्ट्रक्शंस दिए थे, नसीहत की थी कि देखो मैं गंद नहीं मचाता? हाँ ऐसा बोला था? हाँ सारी सारी इंस्ट्रक्शन दिए थे, देख के जाना, वहाँ किसी का तंग नहीं करना, कुछ बोलना नहीं आना, बोला था आपने, सफाई का ख्याल रखना, सारी चीजें सही है। नहीं अभी तक तो ठीक चल रहा है भाई, अभी तक तो इससे सही सही कर रहा है कुकिंग। हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। हाँ लेकिन एक रेसिपी आपकी होनी चाहिए थी, माँ की एक रेसिपी। और क्या जी जी है ना, कौन सी रेसिपी होती अगर आपकी ये कोई सिखाते यहाँ पर आके? सही अम्मी की निहारी, बहुत वो निहारी निहारी नहीं, वो क्या कहते हैं उसे यार, कोरमा क्या हुआ, अम्मी का कोरमा मशहूर है, मेरी खाला की बिरयानी बहुत चलती है, और एक और खाल है उनकी निहारी, अबू का हलवा और ब्रेकफास्ट हलवा। वाह भाई सभी कुकिंग करते हैं। हाँ हेलो हेलो हाँ जी। अच्छा मुइज़ को कोई मशवरा या कोई नसीहत करनी कर ले उन्होंने? बस यही दुआ है उनसे कि भाई उस कितना ये करते रहें, काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल आप लोगों ने एक मौका दिया इनको, बहुत नर्वस हो गए कोई प्लेटफॉर्म पे आने का। अच्छा ये रेसिपीज का आपसे मशवरा किया था कि मैं लाइवली वीकेंड्स में जाकर ये बनाता हूँ? जी जी ये कह रहे हैं नहीं किया था, मास्टर ने मतलब ये बता दिया था कि मैं ये बनाऊंगा, ये नहीं कि ऐसे बना। तो आपने कहा नहीं आंटी कि ये क्या तुम, चलो लाइन ही हो, ड्रेस हो गई, शर्मीली से आप क्या? बिल्कुल हंसती रही वो। अच्छा जी बीफ में आपने किफाया में ये बीफ स्ट्रिप्स डाले, नमक एंड पेपर, ठीक है। अब ब्रेक आ रही है, अच्छा सिर्फ हम ये एक फिलिंग देख लेते हैं, एक फिलिंग हमें बता दो क्योंकि इसमें अब और तो कुकिंग नहीं है। नहीं नहीं और कुकिंग ठीक है, बाकी हम ब्रेक में तैयार कर लेंगे। आयुष का क्या पत्ता? ये हेल्दी रैप्स हैं, इसके अंदर बीफ ऐड करेंगे, ठीक है। टमाटोस, टमाटोस ऐड करेंगे और ये रेडी ऐसे ही सर्व करोगे ना? बिल्कुल ठीक है। ऑनियंस ये एक्चुअली स्टार्टर्स वगैरह के लिए, इसको कोई सॉस वॉस अभी नहीं? नहीं डिफरेंट इसमें चीजें ऐड करता रहूंगा मैं, तीन ठीक है से चार बनाऊंगा तकरीबन, ठीक है। एक में प्याज के साथ, टमाटर के साथ और बीफ स्ट्रिप्स, एक में आपने ये गार्निशिंग के लिए, जब मैं ऐड करूंगा तो फिर वो गार्निशिंग के लिए, ठीक है। और दूसरे में जैसे क्या ऐड करूंगा? दूसरे में मैं बारबेक्यू सॉस ऐड करूंगा इसकी, ठीक है ठीक है। दो ऐसे और दो ऐसे, इसकी प्लेटिंग में स्ट्रेट प्लेट करेंगे। अच्छा वो तो आपके ऊपर है जैसे भी प्लेटिंग कर, ठीक है जी। एक बारबेक्यू सॉस भी है, ये तो बनी बनाई सॉस है, अब आपके ऊपर वेरिएशंस, आप अपने इमेजिनेशन पे वाइट सॉस बना के डाल दीजिए, उसमें चिकन के वो कुछ डाल दीजिए, इस तरह से हेल्दी रैप्स आप बना सकते हैं, दावतों में यूजली इस्तेमाल किया जाता है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो हमारी लास्ट रेसिपी है वो है बनाना पॉप्स, वो फिर हम बनाएंगे, बनाना सिखाएंगे। जी आ जाइए, खुश आमदीद,
अवन में अभी जो पिज्जा रखा हुआ है वो मैंने चेक किया. अच्छा मैं ये सोच रही थी आपने कुछ ऊपर से लगाया नहीं ना, ऑयल शॉयल कुछ भी नहीं, खुद ही कलर आ रहा था आपने उसको रखा हुआ. शक्ल तो अच्छी आ रही है यार, मेरा वाला पिज्जा रह ना जाए. हाँ आ जाए जी. अच्छा वो हेल्दी रैप्स भी देख लें आप लोग. ये मूवीज रैप कर रहे थे तो मैंने कहा रैप ना करें ताकि हमें अंदर से थोड़ी सी शक्ल उसकी कलरफुल जो आपने चीज़ें डाली है मुख्तलिफ सब्जियों के साथ, टमाटर प्याज और एक में आपने सॉस डाला हुआ है बारबेक्यू सॉस. दो में दो प्लेन है, दो में सॉस डाला. सही है जी, ये भी तैयार हो गया. अब आ जाते हैं हमारे बनाना पॉप्स. गाजर का हलवा आता है आपको बनाना? गाजर का हलवा काइंड ऑफ कभी वैसे मैंने बनाया नहीं है, बट उसकी रेसिपीज वगैरह है ताकि बन जाएगा. सर्दियाँ पाकिस्तानी रेसिपी ज़्यादातर मैंने फोकस इतना नहीं किया. हाँ. कॉन्टिनेंटल पे ज़्यादा ही फोकस. हाँ, कॉन्टिनेंटल पे हाँ, वो अपनी फील्ड होती है तो बिल्कुल. अच्छा इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे, बनाना को स्टिक्स में लगाएंगे, उसमें डिप करेंगे थोड़ी सी देर. चॉकलेट को मेल्ट कैसे करना है? बाउल के अंदर फिर ओवन में, ओवन या तो माइक्रोवेव या इधर आपकी मर्ज़ी. आप भी कर सकते हो, मैं इसमें रखूँ तो मैं माइक्रोवेव कर दूँ. अच्छा इटालियनो की हम चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुकिंग चॉकलेट है. इनकी काफ़ी रेंज है कुकिंग चॉकलेट की, डार्क चॉकलेट भी है इनकी, मिल्क चॉकलेट, बिटर चॉकलेट कौन कौन सी हैं. हाँ जी इनके मिक्सेस भी हैं, ब्राउनी मिक्स, केक मिक्स जो कि हमने शो पे भी बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे. बिल्कुल बिल्कुल. इसको हम मेल्ट कर देते हैं माइक्रोवेव में. एक मिनट काफ़ी होगा, डेढ़ मिनट. अब आ गया मुझको ये चलाना. ओके पॉप्स, वो पॉप्सिकल्स से पॉप बनाना पॉप्स. मैंने कहा ये शायद कुछ आप फ्राई करोगे वो पॉप्स की तरह. चिकन पॉप्स इसको फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको फिर एक बैटर बनता है उसका. अच्छा. अलग से उसमें फ्राई होता है तो बस ये बन गया. बस ये इसके चॉकलेट्स में डिप होगा, उसके बाद फ्रीज़ है. इससे मुश्किल रेसिपी नहीं थी आपके पास? इजी रेसिपी ताकि लोग आराम से बना सकें ना. इतना भी आसानी नहीं दें आप इन लोगों को, कुछ तो सिखाएं. आप आए लाइव वीकेंड से, मैंने कहा अभी कुछ होगा, कुछ बैटर बनेगा, कुछ डीप फ्राई होगा. वाह भाई वाह, लो केला लो छीलो काटो पॉप्सिकल लगाओ डिप करो खाओ. आपका बना दें पिज्जा? बिल्कुल. और कुछ है लाए मुँह से बनवा देते हैं. यार कमाल ये रेसिपी. आपने ये इतनी आसान रेसिपी, यार दो तीन और रेसिपीज भी बना सकते थे अब तो. बिल्कुल बना सकते थे बट अप्रूव हो गई थी ये हमारे वालों को ना, टीम को पता ही नहीं था कि ये बनती कैसे. बाकी अगर इनको और ये तो वो वाली रेसिपी है कि वक्त बच रहा है. अच्छा चलो ये भी बना लेता हूँ. मेन रेसिपी नहीं है ये. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ आज आपने जान साइड लाइंस, आज आपने सारी साइड लाइन करके ना जान छुड़ाई है. मेन नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ऐसी हैवी रेसिपीज बनवाऊंगी. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आया तो चीज़ केक खिलाऊंगा आपको. वो खिलाना था ना अगली बार. किसने देखा है इस तरह से जियो के कल अगला पल ही नहीं है आपके पास. ये अगले पे जो टाल देते हैं ना हम, यही तो सारा नुकसान कर देते हैं. यही पल है, यही मौका है, दिखा दो टैलेंट अपना. इंशाल्लाह. कौन है? अच्छा ये सही सही. अच्छा ये लेने जी. एक बार फिर हम टर्किश पिते बना रहे हैं. अच्छा इसमें आपने सॉस इस्तेमाल किया, ये आप बनी बनाई सॉस है? ये मेरे नारा बनी हुई सॉस है, मतलब. अच्छा. ये रेस्टोरेंट में बनाई थी खुद. अच्छा बता दो इसकी रेसिपी. कनकुसी भी कहते हैं इसे. इसे सबसे कनकुसी मदर सॉस है, टोमेटो सॉस. अच्छा ठीक है टोमेटो सॉस है. ये सबसे पहले आप जिंजर गार्लिक, वो गार्लिक को सौते करेंगे. हाँ. उसके अंदर अपना मैरीपोआ सैरी लीक्स डालेंगे, उसको सौते करेंगे. उसके बाद टोमेटो पेस्ट डालेंगे उसके अंदर, उसको भूनेंगे. उसके बाद उसमें टोमेटोज ऐड करेंगे. उसके बाद अपनी नॉर्मल सीजनिंग, उसको पकने देंगे पकने देंगे पकने देंगे. जब रिड्यूस हो जाएगा बिल्कुल तो सॉस की शक्ल ले लेंगे. अच्छा सही ठीक है. और ये आप बना के भी रख सकते हैं. मैं एंड हो गया. बिल्कुल मेल्ट चाहिए. देखो मुइस काफ़ी है.
थोड़ा सा और कर दूं, 30 सेकंड और कर देती हूं मैं। ठीक है जी, अब कोई मुश्किल रेसिपी आएगी, अब कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी आएगी। लोग आराम से बना लेंगे ना घर में, जिनको कोई इजीली घर में अवेलेबल हो जाते हैं ये चीज़। हाय हाय, बहुत दुख हो रहा है। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, थोड़ी सी क्या करूँ, बड़ी रोटी नहीं ये बनती है ऐसे, वो कह रहे थोड़ा सा जो गोल, नहीं नहीं ये बनेगी ऐसे, फिर इसके साइड फोल्ड करेंगे चीज़ से इसी शेप। अच्छा इनफैक्ट हम ओवन में भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, आप लोग ब्रेक लीजिए, ये अभी हो रही है, कुक हो रही है। ठीक है, ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक मेरे ख्याल से ये हो जाएगी, चॉकलेट भी मेल्ट हो रही है और सिर्फ आपने डिप करना है एंड दैट्स इट। ठीक है जी, ब्रेक ले लीजिए। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ गए, दो रेसिपीज तैयार हैं, तीसरी ओवन में बेक हो रही है और उसका जो सेकंड हाफ है वो आपने वो अच्छा, आप अभी थोड़ा सा इस पे ऑयल लगा रहे थे साइड। जी जी बिल्कुल, आप एग योग भी लगा सकते हैं इसके अंदर, तो अच्छा कलर आ जाएगा। अच्छा कलर आ जाएगा, ठीक है, और जल्दी कलर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, बनाना पॉप, ये तो बच्चों के साथ आप रेसिपी बिल्कुल बना सकते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ फ्रूट्स लेकर। बिल्कुल, आप इटालियनों की चॉकलेट होगी, उसको सिर्फ मेल्ट करना है आपने और इस तरीके उसके ऊपर स्प्रिंकल ड्राई नट्स कुछ भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। अच्छा, पहले मुझे लगता था बनाना और चॉकलेट का अजीब सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल, जैसे अक्सर आइसक्रीम पार्लर्स में जाओ तो वो बनाना संडे है, आइसक्रीम और बनाना बचपन में ना। बिल्कुल, अब तो पता नहीं क्या क्या, अभी तो देखे ना चिकन एंड ऑरेंज, ये तो खैर वैसे भी चाइनीज वगैरह में पाइनएप्पल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे आपके खानदान में कोई शादियाँ वादियाँ हो रही हैं? कजन की हुई है रिसेंटली। हो रही है ना? हाँ, सीजन दोस्तों की भी बहुत हो रही है कि दिसंबर और जनवरी में आपके पास 3-4 कार्ड्स, 3-4 इनविटेशंस ना आए हो। अभी व्हाट्सएप आया एक दोस्त का। मम्मी ने भी मुझे इतने सारे कार्ड्स थमा दिए थे लास्ट टाइम, ये इसकी शादी है, उसकी शादी है, उसका शादी, उसका वलीमा। अच्छा, इसके हम ट्रेनर से स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। ओके, अच्छा वो आप डेकोरेशन नट्स के साथ कर लें, स्प्रिंकल्स के साथ कर लें, किसी के साथ भी। हाँ, पिस्ते का चूरा, लेकिन उस वक्त करें जिस वक्त आपकी ये जो चॉकलेट है वो हल्की गर्म हो, ताकि वो चिपक भी जाए, गीली हो तो सही है। वो एक आइसक्रीम पार्लर यहाँ भी खुला था ना, उसमें इसी तरह से वो डिप करके देते थे, याद है? बिल्कुल। अभी तो आइसक्रीम वो वाली बहुत चल रही है जो लाइव बन रही है रोल होके, फ्रूट के साथ। बिल्कुल हाँ, फ्रूट जो लाइव वो फ्रूट फ्रीज हो जाती है, फ्रीज हो जाती है और उसको रोल में। बिल्कुल, वो भी नखरेबाजी, इतनी महंगी है वो, मैंने ट्राई की। जी, एक पीनट्स के साथ एक डिफरेंट, ये क्या चीज़ है? मेंटोस। ओह, मेरे साथ क्या हुआ था कुछ दिन पहले, मैं सोन हलवा 2-3 दफ़ा से खाया ना, इतना चिपक 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 जाता सोन हलवा ना, मैंने रियलाइज ही नहीं किया मेरा क्राउन लगा हुआ था, वो भी टेम्प्रेरी वाला ना। तो उन्होंने कहा था टेम्प्रेरी, फिर मैं गई नहीं उसको फिक्स करवाने, मैंने कहा जब वो खुद ही निकलेगा तो वो निकल आया सोन हलवा के साथ। तो मैं मेंटोस को देखा, मैंने कहा ये भी बड़ी चीज़ ही होती है, ऐसा ना परमानेंट वाला निकल जाए, डर गई मैं। फिर उसको फिक्स करवाया क्राउन को। हाँ, ब्रेक आ गई। अच्छा मोइस, पिज्जा अगर हो गया तो हम निकाल के दिखा देते, ताकि फिर हम ये दूसरा वाला भी डाल देते तो, और फिर हम ब्रेक ले लेते। हो गया या अभी भी? बिल्कुल, थोड़ा सा रहता है, अभी भी रहता है, थोड़ा सा रहता है। कैसा ग्लेयर आया इसके चश्मों पे। ठीक है जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉमिस आपको हम दिखाएंगे टर्किश पिज्जे जो इन्होंने ओवन में बेक किया हुआ है, उसको ज़रा टेस्ट करके भी बताऊँगी, और इसको भी हम रख देते हैं। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात।
बनाना पॉप्स, अरसा केले छियादार पिघली चॉकलेट हंस पे जरूरत टॉपिंग के लिए, अरसा बंटीज टॉपिंग के लिए, स्प्रिंकल्स टॉपिंग के लिए, चॉकलेट चिप्स टॉपिंग के लिए, मेवा टॉपिंग के लिए, मूंगफली टॉपिंग के लिए। तरकीब, केलों को पिघली चॉकलेट में डिप कर लें और टॉपिंग डालकर सर्व करें। ग्रिल्ड चिकन विद ऑरेंज सॉस, अरसा चिकन ब्रेस्ट 125 ग्राम, पुदीना गार्निश के लिए, मैरिनेट के लिए। नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, तेल 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस 1 चाय का चम्मच। ऑरेंज सॉस के लिए, ऑरेंज सॉस 100 मिलीलीटर, नमक हस्बे जायका। तरकीब, चिकन ब्रेस्ट को नमक, काली मिर्च, तेल और चिली सॉस से मैरिनेट करके ग्रिल करें। पैन में ऑरेंज सॉस, नमक और काली मिर्च डालकर तैयार कर लें। प्लेट में चिकन निकालकर ऑरेंज सॉस डाल दें, फिर ऑरेंज स्लाइस और पुदीने के साथ सर्व करें। हेल्दी बारबेक्यू रैप्स, अरसा आइसबर्ग लेटस 50 ग्राम, बीफ अंडरकट 100 ग्राम, प्याज आधी, टमाटर आधा, जैतून 10 ग्राम, बारबेक्यू सॉस हस्ब ज़रूरत। तरकीब, पहले बीफ को अच्छी तरह पकाएं, अब बारबेक्यू सॉस में प्याज, टमाटर और जैतून डालकर ग्रिल कर लें, फिर आइसबर्ग लेटस में रखकर रोल करके सर्व करें। टर्किश पाइड डो के लिए अज्जा, मैदा 500 ग्राम, तेल 35 ग्राम, खमीर 5 ग्राम, चीनी 5 ग्राम, नमक हस्ब ज़ायका। फिलिंग के लिए अज्जा, बीफ का कीमा पका हुआ 100 ग्राम, प्याज आधी, टमाटर 1 अदद, धनिया हस्ब ज़रूरत, चीज़ 30 ग्राम, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच, मैरिनारा सॉस 1 चाय का चम्मच। तरकीब, डो के लिए बोल में मैदा, खमीर, तेल, नमक, चीनी और गार्लिक पाउडर डालकर मिक्स करें। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके डो गूंद लें और 30 से 40 मिनट फूलने रख दें। फिलिंग के लिए डो पर मैरिनारा सॉस लगाएं, फिर पका हुआ बीफ शामिल कर दें। अब इसमें टमाटर, प्याज और धनिया डालकर चीज़ शामिल करें, उसके बाद 20 मिनट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। बनाना पॉप्स, अरसा केले छियादार पिघली चॉकलेट हंस पे ज़रूरत टॉपिंग के लिए, अरसा बंटीज टॉपिंग के लिए, स्प्रिंकल्स टॉपिंग के लिए, चॉकलेट चिप्स टॉपिंग के लिए, मेवा टॉपिंग के लिए, मूंगफली टॉपिंग के लिए। तरकीब, केलों को पिघली चॉकलेट में डिप कर लें और टॉपिंग डालकर सर्व करें। बिस्किट भी क्रम होंगे ना, केक तो बना हुआ नहीं होगा। अच्छा जी, इससे मैं चीज़ केक की रेसिपी पूछ रही थी कि नेक्स्ट टाइम आपको कभी मौका मिलेगा तो फिर आप वो सिखाएंगे। तो अच्छा जी, अब आप देख लें टर्किश पे, देखो हमने, आपने स्लाइस करके इसको इस तरीके से सर्व किया। अच्छा, फ्लेवर बहुत पिज्ज़ा टाइप नहीं होगा जैसे आप लोग पिज्ज़ा खाते हो फुल सॉस के साथ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर है, और अच्छा फ्लेवर है, लाइट फ्लेवर है। अब आप इसमें टॉपिंग्स डाल सकते हैं, टॉपिंग आपकी मर्जी, आप स्पाइस डाल सकते हैं, आप अपनी सॉसेस डाल सकते हैं, बारबेक्यू बना सकते हैं। मेन चीज़ जो है ना वो बेस है, आप नीचे से देखें इसका बेस थोड़ा थिन है एंड क्रिस्पी है, थिन एंड क्रिस्पी बेस है, और साइड से भी ना आपने जो चीज़ की फिलिंग की वो सॉस के साथ या ताकि बिल्कुल ही रूख ही ना रहे बेस, कुछ स्टे रहे उसके अंदर। सरप्राइजिंगली वो प्याज और सिर्फ कीमा आपने डाला था वो भी अच्छा फ्लेवर दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें डालें, बहुत सारी सब्जियां डालें। यही चीज़ है कि अगर आप कहीं बाहर भी आएंगे तो वो वही इंग्रेडिएंट्स के ओरिजिनल फ्लेवर्स आप एनहांस कर रहे हैं। अगर पाकिस्तानी में हम बनाते हैं तो बहुत सारे मसाले डाल देते हैं तो वो चिकन का फ्लेवर अलग है। फेवरेट है, नहीं वो अपनी जगह वर्ल्ड वाइड फेमस है हमारी निहारियां और बिरयानियां। ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब मैं कुछ लोगों का बता रहा हूँ, इतने फ्लेवर्स डाल देते हैं कि वो मसालों का ही फ्लेवर आ रहा है, चिकन वगैरह का नहीं आ रहा। कुछ लोग तो दाल में इतने मसाले डाल देते हैं, तो धनिया भी, तो गरम मसाला भी, तो पता नहीं क्या। सिंपल सादा चीज अपना एक फ्लेवर होता है। बट मुइज शेफ हमारे जो फिश बनाते हैं उसका जो ओरिजिनल फ्लेवर से वो बनाते हैं वो बहुत अच्छी। फिश पे तो जितना आप लाइट रखेंगे ना उतना आपको फिश का फ्लेवर का पता चलेगा। तो उसमें तो वो कॉन्टिनेंटल वाली रेसिपी सबसे बेस्ट होती है, अलग से सॉसेस फिश को सिंपल ग्रिल। बिल्कुल बिल्कुल। मोइस आपके साथ एनएक्स का ये डिलक्स चॉपर जाएगा, बिल्कुल थैंक यू, आपको हमारी याद दिलाएगा। बिल्कुल थैंक यू। और अब आगे आज का क्या प्लान है आपका? आज का प्लान ये है, आज तो मैंने की छुट्टी तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह में जाऊंगा, क्रिकेट खेलूंगा, फिर उसके बाद रेस्ट। क्रिकेट खेलेंगे? बिल्कुल। अभी घर जाएंगे? घर जाऊंगा, घर जाने के बाद घर वाले से ऑब्वियसली
थोड़ा फीडबैक कैसा रहा ये वो हाँ. रात में शो जरूर देखना 9 बजे हाँ बिल्कुल देखना. रात में 9 बजे रिपीट होता है वो जरा चेक करना अच्छा लगेगा आप इंशाल्लाह अच्छा लगेगा. और नई नई कुकिंग नई नई रेसिपीज आप सीखें और ज्यादा अपने आप को पॉलिश करें. आपने आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं होटल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो अच्छा है. फिर आगे क्या एम है आपका क्या मकसद है. मुझे होटल खोलना है. हाँ, ये आशवानी सर को टक्कर देनी है. वेरी गुड आई लव इट. होटल खोलना है. ये देखो कितना अंदर से कैसी एनर्जी आई होगी. बिल्कुल बिल्कुल मजा आ रहा है. ऐसी सोच रखें बड़ी बड़ी सोच रखें बड़ा विजन रखें. वैसे सोचा तो है मैंने कि एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट अपना एक होना चाहिए. अरे फाइन डाइन रेस्टोरेंट अपने होटल में खोलना बिल्कुल ये भी सही है. बड़ा बड़ा हम सोचेंगे तो कुछ बड़ा बड़ा हम कर पाएंगे. exactly. तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज और 3 रेसिपीज हाँ उसको मैं रेसिपी नहीं कहूँगी वो इसको मैं तंग कर रही हूँ. अच्छा जी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और कल जो है वो एक खातून आ रही है हैदराबाद से और वो करेंगी मज़ेदार सी कुकिंग. आपको आई एम श्योर रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी. रात में आज का शो का जो है वो रिपीट होगा 9 बजे ज़रूर देख लीजिएगा. तब तक हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचिए और बड़ा बड़ा अच्छा सोचिए. खुदा लाइवली वीकेंड्स हर घर में जब